आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉक्सर का विद्रोह और बॉक्सर के युद्ध में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये दोनों एक ही जगह पर हुआ था और ये दोनों एक ही नाम है, जबकि दोनों नाम में बहुत अंतर है और दोनों अलग अलग जगह पर हुआ था, दोनों अलग अलग कारण था। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं बॉक्सर का युद्ध और ये बॉक्सर विद्रोह और बॉक्सर का युद्ध दोनों एक ही और एक ही जगह पर हुआ था, लेकिन दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग जगह पर हुआ था और दोनों विद्रोह अलग अलग लोगों ने किया था। तो ये क्या है इसके पीछे कारण, पूरा डिटेल में समझेंगे कि आखिर बॉक्सर विद्रोह का क्या है, कहां पर यह हुआ था, क्या क्या कारण था, पूरा डिटेल में समझेंगे और बॉक्सर युद्ध के बारे में भी पूरा डिटेल में समझेंगे। आप इसको बस अंत तक देखते रहिए। तो चलिए समझते हैं, देखिए थोड़ा सा नाम में पढ़े, नाम देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर लिखा हुआ है बॉक्सर और यहां पर लिखा हुआ है बॉक्सर। ये बॉक्सर और बॉक्सर देखिए दोनों में नाम मानता है ना, ये बॉक्सर का मतलब मुक्केबाज होता है, ये बॉक्सर का मतलब क्या होता है, मुक्केबाज। और ये बॉक्सर एक जगह का नाम है, ये बॉक्सर जगह का नाम है, ये भारत ये बिहार में है, ये बॉक्सर जो जगह का नाम है ये बिहार में है और ये बिहार ये भारत में। तो ये युद्ध जो हुआ था ये भारत में हुआ था, भारत यानी कि बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ बॉक्सर विद्रोह जो है ये बॉक्सर यानी कि मुक्केबाजों के द्वारा, बॉक्सर का मतलब क्या होता है, मुक्केबाजों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह के पीछे क्या क्या कारण था, ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, पूरा डिटेल में इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए देखिए, तो इसके पहले बॉक्सर विद्रोह थोड़ा समझ लेते हैं। बॉक्सर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मुक्केबाज। और ये स्थान इसका शांतुंग प्रदेश ये चीन में हुआ था, शांतुंग प्रदेश ये चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। शांतुंग प्रदेश से बॉक्सर का विद्रोह शुरुआत हुआ था और ये कब हुआ था, 1898 से लेकर 1901 तक हुआ था ये विद्रोह। और देखिए ये विद्रोह इसको नहीं कह सकते, ये भी युद्ध ही था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बॉक्सर का विद्रोह बॉक्सर का युद्ध में क्या था कि तीन राजा एक तरफ थे, तीन को जो शासक थे वो एक तरफ थे और या और अंग्रेज एक तरफ थे, ठीक है। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दूसरी तरफ भी अंग्रेज थे और यहाँ पर एक तरफ एक राजा नहीं कह सकते, एक विद्रोह करने वाला का नेतृत्व करने वाला था, मतलब एक जो नेतृत्व करता था सेनापति कह सकते, एक सेनापति एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, इधर तीन राजा एक तरफ अंग्रेज एक तरफ और दोनों जगह अंग्रेज ही जीत गए, दोनों जगह अंग्रेज ही जीत गए। ये देखिए और ईस्वी का अंतर है, ये 1800 में हुआ था, वो 1764 में हुआ था, ये जो बॉक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ था और ये 1898 में हुआ था। तो ऐसा क्या क्या कारण था जिसके कारण अंग्रेज हर जगह जीत रहे थे, यहां पर भी जीत गए यहां पर भी जीत गए, पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए तो इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि आखिर बॉक्सर का विद्रोह, आखिर बॉक्सरों ने जो मुक्केबाज थे वहां पर, देखिए आपको पता भी है अभी भी चाइना में देखिएगा जूडो कराटे ये सब होता है, यहाँ वहां पर अधिक मात्रा में लोग ये सब सीखते हैं, जूडो कराटे मुक्केबाजी, जो ओलंपिक होता है ओलंपिक में हर साल देखिएगा बहुत सारे मेडल जो होते हैं वो चाइना के पास जाते हैं, नंबर फाइव में मान एक से लेकर नंबर फाइव में हमेशा चाइना रहता है, एक से लेकर नंबर फाइव में जो मेडल जीतने वालों की संख्या होती है हमेशा चाइना की रहती है। क्यों, क्योंकि देखिएगा वहां पर मुक्केबाजों की संख्या, देखिए मुक्केबाज वहां पर शुरू से ही लोग मुक्केबाज जूडो कराटो ये सब सीखते हैं। तो यहाँ पर मुक्केबाजों का संगठनों ने विरोध कर दिया, किसका विद्रोह विरोध पहले किया उसके बाद वो विरोध विद्रोह के भावना विद्रोह में वो बदल गया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि जो है वो बॉक्सर का विद्रोह, थोड़ा समझने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि पहले चाइना के लोग क्या थे कैसे थे। देखिए अभी चाइना की बात करें तो चाइना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, आपको पता है कि चाइना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर का मतलब वो अपने सामानों अपने जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि अपने जो जरूरत है वो खुद पूरा कर लेता है और एक बात अपना जो सामान है पूरा विदेशों में बेचता है, सारे जगह बेचेगा, अमेरिका जापान भारत इंग्लैंड हर जगह पूरे विश्व में बेचेगा अपना सामान, लेकिन दूसरे का सामान बहुत कम खरीदता है। वो जो चाइना का ऐप्स है वो हर जगह यूज होता है, हर जगह वो यूज अपना ऐप्स करवाता है, मतलब हर जगह अपना ऐप्स लॉन्च करता है और यूज होता है, लेकिन पूरा विश्व का जो ऐप है जैसे गूगल हो गया फेसबुक हो गया ये बाकी सब ऐप अपने देश में बैन करके रखा है, आपको पता भी होगा गूगल फेसबुक ये सब बैन है कहाँ पर, चीन में, और चीन के जितने भी ऐप्स हैं पूरे विश्व में प्रचलित है। अच्छा तो भारत में पहले चीन का ऐप्स था, बहुत सारा ऐप्स था, उस सब ऐप्स को बैन कर दिया गया है, सब नहीं कुछ अभी ऐप्स हैं लेकिन बहुत सारे ऐप्स को क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो यहाँ पर चाइना अब आत्मनिर्भर अभी है कि पहले प्राचीन समय में भी था, प्राचीन समय में भी ये आत्मनिर्भर था,
प्राचीन समय में आत्मनिर्भर था। जब 13वीं शताब्दी में, यहाँ थोड़ा समझ लेते, जब 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली का निवासी था, ध्यान रखिएगा, मार्को पोलो जब चीन पहुंचता है, मार्को पोलो, इससे पहले यूरोप वालों को ये चाइना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जब मार्को पोलो चीन घूमने के लिए पहुंचता है अपने पिताजी और अपने चाचा जी के साथ चीन में, तो बहुत सारी चीजें ऐसा देखता है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ देखा नहीं था। आपको पता है कि चीन में कागज का आविष्कार कहां से माना जाता है? चीन में। लेकिन चीन ने बहुत सालों तक ये बातें छुपा कर रखी कि उसने कागज का आविष्कार किया है। तो ये पहली बार जब मार्को पोलो पहुंचा ना चीन में, तो वहां पर कागज देखा और कागज का नोट देखा। समझिए, पूरा विश्व उस समय सिक्कों से, सोना और चांदी के सिक्कों से व्यापार कर रहा था। वस्तु विनिमय प्रणाली की हालांकि धीरे धीरे कम हो गई थी, लेकिन सोना और चांदी के सिक्कों से व्यापार कर रहा था। ये देख रहा है कि वहां पर लोग नोट से व्यापार करें, कागज का नोट। अब एक और बात समझिए, हम ही लोग कहीं पर जाए और देखें कि सामने वाला कपड़ा, छोटा छोटा कपड़ा का टुकड़ा से व्यापार कर रहा है, यानी कपड़ा, जो कपड़ा होता है उससे व्यापार, उसके लिए कागज कपड़ा नहीं था ना, सोना चांदी से उसने व्यापार करते हुए देखा था और पहली बार देख रहा है कि कागज के नोट से व्यापार हो रहा है, तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। हम ही लोग अगर कपड़ा के देखे, कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ा देकर लोग सामान खरीद रहे, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना। ठीक वैसे ही ये भी आश्चर्यचकित हो गया था। और भी बहुत सारे ऐसे आविष्कार देखे उसने वहां पर, जो उसने कभी यूरोप में देखा ही था। और ये जाकर बात यूरोप में बताया, ये वापस जब इटली, ये 17 वर्ष बाद यहां से लौटा था वापस इटली, 17 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा 17 वर्ष पूरा जगह घुमाइए। उस समय कुबलाई खान था वहां का राजा, ये चीन का राजा, उस समय कुबलाई खान था। 17 वर्ष बाद जब लौटा ये यूरोप में, तो ये बातें बताई यूरोप वालों को, देखो ऐसा ऐसा था। यूरोप वालों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कागज का नोट देखा है, और हम ही लोगों से कोई आकर कहे कि हम कपड़ा का नोट देखा है तो हम भरोसा करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे भरोसा। लेकिन ये भी जाकर ये जब यूरोप में बात बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो लोग भरोसा ही नहीं कर रहे थे, नहीं भरोसा कर रहे थे, फिर भी यूरोप वालों ने लालच में आकर, क्योंकि व्यापारी लालची थोड़ा होते हैं, ये चीन में पहुंचे। जब चीन में पहुंचे व्यापारी, धीरे धीरे चीन में पहुंचने लगे, लेकिन वहां के राजा के ज्यादा परमिशन नहीं था। चीन में पहुंच भी गए तो वहां पर कोई भी सामान आपको बेचने की परमिशन नहीं थी। वहां से खरीद सकते हैं, सामान क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। अब बेचेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा ना, वो अपना मुद्रा देना पड़ेगा ना, खरीदेंगे तो आप देंगे ना, खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको सोना या चांदी की मुद्राएं लेते थे। तो वहां पर मुख्य रूप से आप कहेंगे कि बॉक्सर का विद्रोह, हम ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लीजिए। तो क्या हुआ, यूरोप के व्यापारी पहुंचने लगे चीन। जब चीन पहुंचने लगे तो वहां के राजा का एकदम ये आदेश था कि कोई भी सामान आप यहां पर बेच नहीं सकते, यहां से खरीदिए। तो सामान खरीदने में दो तीन चीजें खरीदते थे, चाय, चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, और उसके बाद चाय चीनी मिट्टी का। यहाँ पर देखिए दो गो चीजें प्रमुख थी, चाय और चीनी मिट्टी का बर्तन, और एक रेशम भी प्रमुख था, रेशम। ये तीनों चीजें यूरोप के व्यापारी खरीदते थे, और इन लोगों को चाइना वाला कहते हमको सोना या चांदी का सिक्का दीजिए इसके बदले। तो सोना या चांदी का सिक्का देने से इनकी अर्थव्यवस्था और बढ़ने लगी, किसकी, चीन वालों की। और चीन वालों की तब तक क्या हुआ, यहाँ पर पहुंच गए। अब धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे नए नए देशों का खोज होने लगा, नए नए देशों का खोज होने लगा। जैसे पुर्तगाल, स्पेन के नाविक जो थे वो अलग अलग देशों में पहुंचने लगे, अलग अलग। जैसे ये अगर कोलंबस की बात करें तो कोलंबस तो ऐसे इटली का था, लेकिन स्पेन की महारानी इसाबेला की सहायता से ये पहुंचा था। कहाँ पर, ये अमेरिका पहुंच गया था, तो खोजने भारत आ रहा था, लेकिन उल्टा दिशा में इसका नाव मुड़ गया, पश्चिम में नाव मुड़ गया, आ रहा था पूरब में, पश्चिम में नाव मुड़ गया, तो पहुंच गया ये अमेरिका। तो अमेरिका का खोज हुआ। उसके बाद ये पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, वो किसका, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु होते हुए भारत का खोज किया। ये अलग अलग देशों का, जब समुद्री रास्ता का, देश का खोज नहीं, देश तो पहले से ही था, समुद्री रास्ता का अलग अलग खोज होने लगा। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहीं से अब अंग्रेज भी, ये देखिएगा पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये सब मैप में देखिएगा काफी नजदीक में ही है, और ये फ्रांस की बात करें ये सब नजदीक में है। तो सारे देश के व्यापारी अब कहाँ पर आने लगे, एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में आने लगे। और धीरे धीरे अंग्रेज जब भारत पहुंचे, और भारत पहुंचने के बाद ये चीन पहुंचने लगे। आपको पता है कि जहां पर अंग्रेज पहुंच जाएंगे तहस नहस कर देंगे। अंग्रेज क्या हुआ, यहाँ तो चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम, ये तीनों खरीदने लगे, अंग्रेज भी खरीदने लगे। लेकिन अंग्रेजों की बात ये थी कि वो कोई भी चीज़ खरीदना जानते थे, लेकिन उसके बदले उसका पैसा देना नहीं जानते थे। ये नहीं चाहते थे कि हम पैसा दे, तो पैसा कैसे नहीं दीजिएगा, खरीदिएगा तो सामान देना पड़ेगा ना, उसको सोना या चांदी का मुद्रा देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया, क्या किया अंग्रेजों ने, कहा कि देखो
किसी को भी बर्बाद करना है ना तो उसको नशा की लत लगा दीजिए, बर्बाद हो जाएगा वो। तो बर्बाद करने के लिए, चाइना को बर्बाद करने के लिए क्या किया इन अंग्रेजों ने, वहां के स्थानीय लोगों को नशा का आदत लगा दिया, वो भयंकर नशा अफीम का, किस चीज का, अफीम का। अफीम ऐसा होता है कि एक बार नशा लग गया मतलब लग गया, तो वहां के लोगों को क्या करने लगे, ये अफीम ले जाकर पहले फ्री में, अफीम ले जाकर पहले फ्री में उनको पिलाने लगे अफीम। और धीरे धीरे जब आदत लग गया वहां के लोगों को, तो वहां के लोगों से क्या लेने लगे, अब मुद्रा लेने लगे, पैसा लेने लगे। लेकिन वहां की सरकार को एक बात पता नहीं थी कि ये अंग्रेज जो आ रहे हैं वो यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, साथ में रेशम बेच रहे हैं, ये साथ में ये अफीम बेच रहे, क्योंकि वहां के सरकार का ये सख्त था, सख्त कानून था कि आप यहाँ पर कुछ बेच नहीं सकते, यहाँ से खरीद सकते हैं। और अंग्रेज चोरी छुपे अफीम क्या करने लगे, वहां पर बेचने लगे, और भयंकर अफीम का लत लग गया किसको, चाइना वालों को। अब हालत यहां तक पहुंच गई कि पहले चाय, चीनी, मिट्टी के बर्तन और रेशम के बदले अंग्रेज उनको सोना का सिक्का देते थे, किनको, चाइना वालों को। लेकिन अब हुआ कि चाइना वालों को सोना का सिक्का और चांदी का सिक्का न देकर अब क्या कर रहे थे, अफीम के बदले ये सब सामान लेकर चले जाते थे और यूरोप के बाजारों में महंगे महंगे दामों में बेचते थे। जब ये बात वहां के राजा को पता चला, तो राजा ने बहुत बार अंग्रेजों को समझाने की कोशिश किया, बहुत सारा नियम बनाया, कोई इसका फर्क नहीं पड़ा, नियम का धजिया उड़ा रहे थे ये अंग्रेज, कुछ भी नहीं इनको फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि तुम नियम बनाओ, कुछ भी करो, अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अफीम खूब अधिक मात्रा में बेच रहे थे। अब अफीम बेचने से क्या हुआ, अफीम बेचने से ये हुआ कि वहाँ के लोग, अब चाइना के लोग अफीम के लत जब लग गया, तो भूखमरी, बेरोजगारी ये सब आने लगा। 24 घंटे में 10-12 घंटा तो ये सब नशे में रहते थे। अब 10-12 घंटा नशा में रहिएगा तो काम क्या कीजिएगा, जब काम नहीं कीजिएगा तो भोजन कहाँ से मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो भूखमरी आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल पड़ने लगा, जिसके कारण समस्याएं और बढ़ गई। और वहां पर शासन था मंचू वंश का, कहां पर, ये चीन में उस समय शासन था मंचू वंश का, जो कि राजा कितना भी नियम बनाने कोशिश करे कोई फर्क नहीं पड़ा था, अकाल, भूखमरी आ गया, लोग बेरोजगार होने लगे। और देखिए, तब राजा ने यह आदेश जारी किया अपने अधिकारियों का कि देखो, जहां पर अफीम दिख जाए अंग्रेजों को, वहीं पर उलाट दो, उसको नष्ट कर दो। तो देखिए, मुख्य रूप से अफीम जब उतरता था बंदरगाहों पर, वहीं पर पकड़ सकते हैं, उसके अलावा चाइना में एंट्री करने के बाद नहीं पकड़ सकते कि किस पेटी में अफीम है, क्या है। तो बंदरगाह दो तीन गो जो फेमस बंदरगाह था, जैसे कैंटन बंदरगाह, तो कैंटन बंदरगाह पर जैसे ही अंग्रेज लेकर आए अफीम, वैसे ही अधिकारी पहुंच गए चीन वाले। और अधिकारी पहुंचने के बाद सब अफीम वहीं पर पानी में उलटवा दिया, $60 लाख का। उस समय की बात करें, उस समय अफीम की कीमत थी $60 लाख। अफीम $60 लाख का अफीम जो है वो पानी में उलटवा दिया गया। किसने उलटवाया, ये चीन की सरकार जो कि मंचू वंश की सरकार थी, उसने उलटवा दिया पानी में, कहा कि अब जहां पर दिखे ना सब उलटवाना शुरू करो। अब अंग्रेजों को आ गया इस पर गुस्सा, क्या हुआ, अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। अब ये गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे, गलत काम कर रहे हैं, पकड़े गए हैं तो पानी में उलटवा दिया। तब अंग्रेजों ने, अब देखिए, कोई भी लड़ाई करने के लिए कोई कारण चाहिए ना। अब अंग्रेज मंचू वंश से लड़ाई करना चाहते थे, अब चाहते थे कि अब चीन की सरकार से हम लड़े और हम युद्ध जीते, और तब ये मुआवजा के रूप में $60 लाख उससे ले, किससे, चीन की सरकार से। तो लड़ाई करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर तो ये पानी में उलटवा दिया गया। तब उसने वो जो अंग्रेजी सैनिक थे या अंग्रेजी व्यापारी, जो व्यापारी के साथ सैनिक भी आते थे, आपको पता है कि नाव में जब अंग्रेजी व्यापारी चलते थे तो वहां पर वो सैनिक भी लेकर चलते थे, ऐसे नहीं बिना सैनिक के नहीं चलते थे, वो सैनिक भी साथ में थे। तो क्या हुआ, कैंटन बंदरगाह पर अफीम उलटवाने के बाद वहां के स्थानीय लोगों को, जब अधिकारी चले गए तो स्थानीय लोगों को जम के पिटाई किसने किया, अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी जो व्यापारी थे उन्होंने जम के वहां के चाइना का स्थानीय लोगों को पीट दिया, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब ये बात चीन के सरकार को पता चली तो चीन के सरकार ने कहा कि देखिए, जिसने पीटा है ना, जो सैनिक, अंग्रेजी सैनिक, उसको हमको हवाले कीजिए, हमारे हवाले कीजिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं करेंगे। बस दोनों अंग्रेजी सेना और चीन की सरकार में मतभेद हो गया और दोनों अब कहा कि अब लड़ाई हो, अब यहीं से शुरू हो गया क्या लड़ाई। अब अंग्रेजी सेना मान ही नहीं रहा था और ये चीन की सरकार कहते नहीं, उसको हमको दो, हमारे हवाले करो। उसने हमारे स्थानीय लोगों को मारा है, बस वहीं से चालू हो गया प्रथम अफीम युद्ध। ये युद्ध अफीमे के लिए मुख्य रूप से हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध ये हुआ था
1939 से लेके 1842 तक ये अफीम युद्ध चालू हो गया। किसके किसके बीच में? चीनी सेना यानी कि उस समय मंचू वंश की सरकार थी चीन में, मंचू वंश, और अंग्रेजों के बीच में। ये दोनों के बीच में चालू हो गया प्रथम अफीम युद्ध, और ये 3 वर्ष चलने के बाद अंतिम में अंग्रेज जीत गए। कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीतने के बाद और चीनी सेना एकदम बढ़िया से पराजित हो गई। 20,000 की संख्या में इसकी सैनिक मरे थे, 20,000, इसके 500 मरे थे, मात्र 500, समझिए। क्योंकि ये बेहतर प्रशिक्षण था इनके पास, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिलता था इनको, बढ़िया नए नए हथियार थे, ये बंदूक रखते थे और ये तलवार से लड़ते थे। बंदूक तलवार में कोई ऐसी है कि बंदूक अब तलवार नजदीक जाकर मारना पड़ेगा ना, और बंदूक दूरी से मार देंगे। अब बहुत बढ़िया ये लोग प्रशिक्षण लेकर आते थे इंग्लैंड से, क्योंकि पता है इन लोगों को जहां जाएंगे वहां पर लड़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हरकतें वैसे करेंगे कि लड़ाई करना पड़ेगा, तो ये पहले से ही तैयार रहते थे। तो ये यहाँ पर मंचू वंश हार गई, जिसके कारण नान किंग की संधि हुई। नान किंग की संधि किसके किसके बीच में हुई? मंचू वंश यानी मंचू सरकार और अंग्रेजों के बीच में नान किंग की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को 5 बंदरगाह देने पड़े। कितने बंदरगाह? 5 अंग्रेजों को सौंपने पड़े। साथ में ये हांगकांग का नाम सुने हैं? हांगकांग का नाम, जो कि चाइना दावा करता है कि हांगकांग हमारा है, ये उसी समय अंग्रेजों ने जीत लिया था हांगकांग को। उसी समय क्या किया था अंग्रेजों ने? जीत लिया था और अपने पास अंग्रेजों ने हांगकांग को क्या किया? रख लिया। 5 बंदरगाह ये नानकिन की संधि के तहत हांगकांग, और उसके बाद चीन में हर जगह व्यापार करने की छूट मिल गई। लेकिन एक बात पर निर्णय नहीं हुआ कि क्या अंग्रेज अफीम बेचेंगे चाइना में कि नहीं बेचेंगे। इस पर बात ही नहीं हुआ कि अंग्रेज बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। यहाँ पर अफीम बेचना कानूनी होगा या गैर कानूनी, ये बात अभी तक नहीं हुआ इस संधि में। फिर क्या करने लगा? अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया और तेजी से अफीम क्या करने लगे? यहाँ पर बेचने लगे, वो भी चोरी छुपे। सरकार ये बात जानती थी कि हाँ अफीम बेचा जा रहा है, और कितने भी सरकार प्रयास करे अंग्रेज मान नहीं रहते, क्योंकि युद्ध इसीलिए हुआ था। जब अब यहाँ पर चीन में अब भुखमरी, पहले से बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, भुखमरी बेरोजगारी, और अंग्रेज बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगे यहाँ पर, क्योंकि युद्ध जीत गए ना, यहाँ का स्थानीय लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर दास बनाने लगे। दास का मतलब यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेचने लगे, लोगों को बेचने लगे। पहले तो यहाँ पर यहाँ से चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम और ये चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम और चाय ही बेच रहे थे। अब लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर और यूरोप के बाजारों में बेचने लगे, जिसके कारण अब यहाँ के स्थानीय लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद एक हुआ यहाँ पर ताइपिंग विद्रोह हुआ। तो जब ताइपिंग विद्रोह हुआ तो ये विद्रोह जो था 1851 से लेकर 1860 तक ये विद्रोह हुआ, और बहुत भयंकर विद्रोह था मंचू सरकार के खिलाफ। ये लोग चाहते थे कि मंचू वंश का क्या हो, नाश हो और मंचू वंश हटे, लेकिन ये विद्रोह 1851-52 तक चला, और ये बहुत ही भयंकर विद्रोह था। ये 1851-52 तक चला, मतलब 1851-52-53 में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मंचू सरकार ने इस विद्रोह को बहुत ही आसानी तरीका से इस विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। उसके बाद तीसरा नंबर में फिर हुआ द्वितीय अफीम युद्ध दिखाई दे रहा है ना, अफीम युद्ध। अब आप कहेंगे कि द्वितीय अफीम युद्ध करने का जरूरत है, अंग्रेजों को इतना कुछ मिल गया था। अब अंग्रेज कह रहे थे ना कि नई संधि कीजिए, ये संधि से काम नहीं चल रहा है। अंग्रेज अब अंग्रेजों का मनोबल बढ़ रहा है ना, कह रहे नई संधि कीजिए और नए नए और हमको व्यापारिक छूट दीजिए। 5 बंदरगाह दे ही दिए हैं ये, उसके बाद हांगकांग इन लोगों के पास चल ही गया है, और कह रहे और नए नए व्यापारिक छूट दीजिए, और अफीम बेच ही रहे थे। तो बार बार सरकार समझा रही थी कि अफीम मत बेचो, इसके कारण फिर अफीम युद्ध हो गया। और ये जो दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 के बीच में, और ये भयंकर अफीम युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा 1856 से 1860 तक ये युद्ध हुआ, और फिर इस युद्ध में फिर कौन जीत गए? अंग्रेज ही जीत गए। और इस बार एक और नई संधि हुआ, और इसमें 2 बातें सबसे प्रमुख थी।
पहला बात प्रमुख ये था कि अब चीन में अफीम बेचना वैध करार दे दिए, कानूनी रूप से सही है, जहां पर भी अफीम बेचना है बेचिए, और व्यापार जहां पर भी करना है व्यापारिक छूट बढ़िया से मिल गया, कोई भी आकर अब चीन में व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या हुआ अब देखिए, यहाँ पर व्यापारिक छूट मिल गया। देखिए संधि में तो बहुत सारी बातें, लेकिन दो को प्रमुखता। दूसरा, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे पहले पूरे चीन में प्रचार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब पूरे चीन में उनको छूट दे दी गई कि जहां मर्जी जैसे मर्जी प्रचार कीजिए अपने धर्म का। अब देखिए यहीं से मामला बिगड़ने लगा, यहीं से ये बॉक्सर का विद्रोह, जो बॉक्सरों द्वारा विद्रोह किया गया, यहीं से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। जो बॉक्सरों का विद्रोह था मुख्य रूप से दो को कारण था, एक तो ईसाई मिशनरी के खिलाफ और दूसरा विदेशी आकर एंट्री कर रहे थे बार बार, विदेशी जो थे वो चाइना में अपनी मनमानी कर रहे थे, इसके खिलाफ था। तो चलिए इन दोनों को यहाँ वाला मिटा देते हैं, हम यहाँ पर मिटा देते हैं और यहीं पर लिखते हैं। देखिए पृष्ठभूमि क्या था सबसे, और कारण या पृष्ठभूमि इसको कहिए, कारण ये था कि विदेशियों का लूट खसोट, विदेशियों का चीन में लूट खसोट मच गया था। अब देखिए लूट खसोट क्या था, समझिए, गुड़ समझते हैं, गुड़ को अगर खुला जगह पर रख देते चारों तरफ से चींटी जिस तरह लग जाती है ना चारों तरफ से, और बहुत ज्यादा मात्रा में चींटी, ठीक वैसे ही चीन एक गुड़, चीन मतलब समझिए चीनी, चीन को चीनी बनाकर सभी लोग चींटी की तरह पड़ गए उस पर, चीन को चीनी बना दिया, चीन को क्या बना दिया, चीनी बना दिया, मतलब सभी चीनी नहीं बना दिया, चीन को चीनी समझकर, चीन को क्या समझकर, चीनी समझकर सभी लोग चींटी की तरह उस पर पड़ गए। अब चींटी की तरह कौन कौन पड़े थे, कौन कौन देश था, देखिए कौन कौन देश था, यहां पर इंग्लैंड तो पहले ही था, इंग्लैंड जापान, और देखिए इंग्लैंड जापान रूस, उसके बाद अमेरिका फ्रांस, ये जितने भी इसके आसपास वाले थे ना सब चीन को चीनी समझकर उस पर क्या हुए, टूट पड़े, और टूट पड़े ऐसे कि सब अपने मन मर्जी से व्यापार करने लगे, जो मर्जी वो करते थे, लोगों को उठा कर लेकर जाते थे यहाँ से दास बनाकर और दूसरे बाजारों में बेचने लगे, यूरोप के बाजारों में बेचने लगे, और जिसके कारण देखिए एगो तो भुखमरी है, बेरोजगारी है, अफीम के लोगों को लत लगा हुआ है, और साथ में वहाँ के लोगों को विदेशी आकर कोई पीट कर चला जा रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो बताइए विद्रोह के सिवा और कोई ऑप्शन बचेगा, और कोई विकल्प बचेगा विद्रोह के सिवा। एक तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि ईसाई धर्म प्रचारक अब ये क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म प्रचारक जबरन चीन के लोगों को क्या कर रहे थे, ईसाई बना रहे थे, और साथ में जो जिसको पैसा देकर, देखिए हर तरह से ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, पहले तो समझा रहे थे कि बन जाओ ईसाई, नहीं बन रहा है पैसा देकर लालच, और लालच से भी नहीं बन रहे थे तो जबरदस्ती उन लोगों को उन पर जबरदस्ती ईसाई धर्म थोपने का प्रयास कर रहे थे, और ईसाई धर्म क्या करवा रहे थे, ग्रहण, जिसके कारण। और एक बात आप ये नहीं कहेंगे कि ये इतना कुछ हो रहा था तो मंचू सरकार कर क्या रही थी, ये जो मंचू सरकार है ये क्या कर रही थी, इतना कुछ हो रहा था, प्रथम अफीम युद्ध हार गए, फिर द्वितीय अफीम युद्ध हार गए, ताइपिंग विद्रोह हुआ, भुखमरी छाया हुआ है, अकाल भुखमरी बेरोजगारी है, तो ये क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहा था, ये सब ये खुद हार रहा था, इसके पास योग्य सैनिक नहीं थे, योग्य प्रशिक्षण नहीं था, खुद हार रहा था ये, तो ये क्या करे। तब यहाँ के जो बॉक्सर थे मुक्केबाजों का बहुत सारा संगठन था, तो जिसमें से मुक्केबाजों ने एक बड़ा सा संगठन बनाया, और उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, अब विद्रोह करें, जिसके कारण उन मुक्केबाजों ने विद्रोह किया, और ये विद्रोह शांतुंग प्रदेश से शुरू हुआ, इसीलिए इस विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह कहा जाता है, बॉक्सर यानी कि मुक्केबाजों का विद्रोह भी इसको कह सकते हैं आप। और मुक्केबाजों द्वारा विद्रोह किया गया, किसके खिलाफ ये विद्रोह किया गया, मंचू सरकार के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, और ये शांतुंग प्रदेश शुरू हुआ, और ये विद्रोह में ये कर क्या रहे थे, मुख्य रूप से समझिए कर क्या रहे थे, जहां पर विदेशी दिख जाए, विदेशियों का दूतावास दिख जाए, उनका घर दिख जाए, विदेशी दिख जाए, कोई भी विदेशी, इंग्लैंड वाले हो, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली वाले भी थे इसमें, इटली वाले हो गए या जर्मनी वाले हो गए, ये सब थे, इटली जर्मनी कोई भी दिख जाए,
क्या करते थे, पकड़ कर पीट देते थे, और पीटने का मतलब उनको उनका मतलब काम एकदम खत्म कर देते, उनका फाइल निपटा देते, समझ लीजिए। हर जगह मारपीट की भावना चलने लगी और ये लोग दूतावासों पर हमला करने लगे, रेल की पटरी उखाड़ने लगे, सब कुछ मतलब तहस नहस, जहां जहां विदेशी दिख रहे थे ना सब कुछ तहस नहस क्या करने लगे। अब जब ये बात ये देखे मंचू सरकार ने कि इतना तबाही मचा रहे हैं बॉक्सर, जो बॉक्सर है, देखिए बॉक्सर क्या करते थे, इनके पास देखिए कमी एक ही बात का था कि हथियार, आधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेजों के पास बंदूक था, आधुनिक हथियार था, सब कुछ आधुनिक प्रशिक्षण था, ये लोग मुक्केबाज मुक्का से ही लड़ते थे और तलवारों से ही लड़ते थे, और ज्यादा इनके पास कुछ बेहतर नहीं था। तो शुरू में तो इन लोगों को, अंग्रेजों को और बाकी लोगों को कुछ ये बात अंदाजा ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। खूब मतलब ये खूब बॉक्सर खूब विद्रोह मचाए, पूरा एकदम सारे जगह पर, अब लग रहा था ना कि पूरे चाइना में अब बॉक्सरों का ही कब्जा हो जाएगा, यानी कि बॉक्सर ही पूरे चाइना में एकदम रहेंगे और बाकी ये सब भागने लगे यहाँ से, इनके जो अधिकारी थे ये क्या होने लगे, भागने लगे, अपना जान बचाकर भागने लगे। और जब मंचू सरकार ने ये बात देखा तो इन्होंने मंचू सरकार अपना सरकार बचाने के लिए बॉक्सरों के साथ हो गए कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। बॉक्सरों को क्या, ये मंचू सरकार ने कहा कि हम तुम्हारा अब सहयोग करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे देश की सरकार है, तुम्हारे हम साथ हैं, तुम जितना विद्रोह करना है करो। जब ये बात, अब देखिए इंग्लैंड के अधिकारी चाइना में रहते थे और साथ में बाहर भी इंग्लैंड में भी रहते थे, जब ये बात इंग्लैंड में पता चली, जापान वालों को, जापान में रूस, ये सबको पता चली थी, बाहर ही सब मीटिंग किए, इसके बड़े बड़े अधिकारी मीटिंग किए, अब क्या किया जाए, इतना भयंकर विद्रोह हो गया, तो सबने मीटिंग करके और एक बड़ा सा सेना संगठित किया और ये चाइना में भेजा, और इन बॉक्सरों को अब ये बॉक्सर, देखिए बॉक्सर जो थे मुक्का से लड़ते थे और ये लोग बंदूक से, और जब दोनों का आमना सामना हुआ इनकी सेना का और बॉक्सरों का, तो बॉक्सर ऐसे ही कहानी इनका खत्म हो रहा था। 5-6 दिन में अधिकतर बॉक्सरों को निपटा दिया गया, अधिक जो थे वो भाग गए, और बहुत सारे मतलब ऐसे कि कुछ ही दिनों में इनका जो देखिए शुरू तो ऐसे यहाँ पर शुरू 98 में हुआ था और 1901 में खत्म हुआ, पूरी तरह से 1901 में खत्म हुआ, लेकिन ये चला कुछ ही दिनों तक ये पूरे ऊंचाई पर था। और उसके बाद क्या हुआ कि जहां वो अमेरिका वाले, फ्रांस वाले, इटली वाले, इंग्लैंड वाले, ये सब जितने भी सैनिक थे, ये संगठन बनाकर और इन बॉक्सरों को क्या किए, फाइल निपटा दिए। लेकिन कहीं कहीं पर ये बॉक्सर बचे हुए थे जो बार बार विद्रोह कर रहे थे, तभी ये 3 सालों तक चला। जब ये बात मंचू सरकार ने देखा कि हर जगह बॉक्सरों को पीटा जाने लगा, ये इंग्लैंड वाले, जापान वाले जो सेना थी, सेना संगठित करके आई और हर जगह बॉक्सरों को पीटने लगे, तब मंचू सरकार इनके साथ हो गई। क्या ये तो बॉक्सर झूठे मूठे का विद्रोह कर रहे थे, हम इनके साथ नहीं है, किनके साथ ये हो गए, देखिए कहते पलट रहे, पहले बॉक्सरों के साथ, जब देखा कि बॉक्सर के पिटाई होने लगी, ये लोग जो बॉक्सर है वो हारने लगे, तब ये किसके साथ हो गए, इनके साथ हो गए। लेकिन अंग्रेजों के बात पता थी कि ये भी साथ दिया है, क्योंकि ठीक है पहले ये निपट जाने दो। 1901 में ये बढ़िया से निपट गया, ये बॉक्सर विद्रोह है, जो बॉक्सरों द्वारा जो विद्रोह किया गया वो शांत हो गया, तब ये अंग्रेज यहां पर मंचू सरकार से कहे कि सब तुम्हीं ने करवाया है, किसने करवाया है, सब तुम्हीं ने करवाया है। अब मंचू सरकार को देखिए अब क्या क्या हुआ, मंचू सरकार को कहा कि देखो सबसे पहला, नहीं तो तुम्हें भी पहले शासन से हटाएंगे, सबसे पहला काम ये करो कि जो बॉक्सर बचे हुए थे, जो विद्रोह में शामिल थे, उनको क्या मृत्युदंड दिया जाए, पकड़ कर पहले मृत्युदंड दिलवाओ। किसने, इंग्लैंड वालों ने कहा पहले मृत्युदंड। दूसरा, जिस प्रांत में ये बॉक्सरों का विद्रोह हुआ है उस प्रांत में एक भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई भी वहां सरकारी नौकरी में शामिल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा बात है ये सब देखिए इसको क्या कहते हैं, ये जब ये बात हुआ ना तो इसको कहते हैं बॉक्सर प्रोटोकॉल, इसको बॉक्सर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये बॉक्सरों का विद्रोह समाप्त होने के बाद बॉक्सर प्रोटोकॉल हुआ, बॉक्सर प्रोटोकॉल, और ये किसके बीच में हुआ, ये मंचू सरकार और उसके बाद अंग्रेजों के बीच में। ये देखिए मुख्य रूप से इसके बॉक्सर प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से समझिए बात क्या कहता, पहला बात कि जो बॉक्सर अब बचे हुए हैं उनको मृत्युदंड दिया जाए। दूसरा कहानी ये था कि जहां जहां ये विद्रोह हुआ वहां पर प्रतियोगी परीक्षा ना कराई जाए और कोई भी सरकारी नौकरी में शामिल ना होना चाहिए, सेना में या कोई भी मतलब सरकार में शामिल ना होना चाहिए। तीसरी बात क्या थी कि अब चीन में 2 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा 2 वर्षों तक गोला बारूद नहीं बनाए जाएंगे, कोई भी हथियार नहीं बनाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखा जाए। तो ये 3 बातें थी, और एक बात कि अब कहीं पर भी कोई भी व्यापार करना हो, कुछ भी करना हो, चीन सरकार से परमिशन बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, कोई नहीं लेगा, और अपने मनमर्जी से सभी लोग क्या करेंगे,
व्यापार करेंगे। ये तीन चार चीजें थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी बॉक्सर प्रोटोकॉल में। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा ये विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, बॉक्सरों के द्वारा, चीन के बॉक्सरों के द्वारा हुआ था ये विद्रोह। अब बॉक्सर का युद्ध क्या था, अब चलिए युद्ध समझते हैं। ये कहां पर हुआ था, कब हुआ था, कब और कहां? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये बक्सर में हुआ था, ये बक्सर बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बक्सर बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। अब ये बिहार वाले क्षेत्र में क्यों हुआ, कहीं और भी तो ये युद्ध हो सकता था, इसका क्या कारण था, पूरा विस्तार से समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये समझ लेते कि युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो एक तरफ से तीन लोग थे और एक तरफ से एक था, एक तरफ से एक मतलब अंग्रेज। देखिए इधर से भी यहाँ पर भी एक तरफ अंग्रेज थे ना, और दूसरी तरफ बक्सर जो विद्रोही थे वो बक्सर विद्रोही थे एक तरफ। तो यहाँ पर कौन कौन था, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, एक अवध का नवाब सुजाऊ दौला और एक और था शाह आलम द्वितीय था, जो कि मुगल शासक था, ये अवध का नवाब था अवध, और ये मुगल शासक। और एक तरफ, अब दूसरी तरफ से कौन थे, अंग्रेज, और जीते कौन, अंग्रेज ही जीते। अब देखिए इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, ये युद्ध क्यों हुआ, ये एक तरफ से तीन लोग कैसे मिले। देखिए क्या था, मीर कासिम से पहले बंगाल का जो नवाब था अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया था, किसको बनाया था, मीर जाफर को बनाया था। ये 1757 से 1760 तक था। अब देखिए बंगाल में शुरू में अंग्रेज खुद शासन नहीं किए, देखिए अंग्रेजों का मात्र एक ही उद्देश्य होता था कि खुद शासन ना करना है, ध्यान रखिएगा, खुद शासन ना करना है, बस यहाँ लूट कर जितने भी सामान है ना अपने देश में पहुंचाया जाए, व्यापार मुख्य रूप से उनका उद्देश्य एक ही था, व्यापार यहाँ से लूट कर जितने भी ट्रेन की पटरियां बिछाई गई, ट्रेन भारत में लाया गया, क्यों लाया गया, भारत के लोगों की सुविधा के लिए, अंग्रेज भारत के लोगों की सुविधा के लिए ट्रेन लेकर आए थे, नहीं, ये अपनी सुविधा के लिए, हम यहाँ से लूट कर लेकर जाकर यहाँ से मतलब लूट कर लेकर जा सके सामान जल्दी मात्रा में, मतलब जल्दी से ज्यादा मात्रा में, क्योंकि बैलगाड़ी से रास्ता से कितना सामान ढोड़ कर लेकर जा सकते हैं, नहीं लेकर जा सकते, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में क्या लाया था, ट्रेन। और यहाँ पर भी शासकों को कहते थे कि आप शासन कीजिए लेकिन हमको उसके बदले पैसा दीजिए और हमारी मनमानी चलाइए, हम जैसे चाहे वैसे भारत में व्यापार करें। तो वैसे ही यहाँ पर ये बंगाल का नवाब, बंगाल को वर्तमान समय में जो बांग्लादेश है, बंगाल है, उड़ीसा है और बिहार वाले क्षेत्रों को मतलब पूर्ण रूप से जो क्षेत्र थे उनको कहा जाता था बंगाल, बांग्लादेश अभी जो पश्चिम बंगाल है वो उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से बंगाल कहा जाता था। और उसका जो शासक कह लीजिए, नवाब कह लीजिए, मिर्जाफर को अंग्रेजों ने बनाया, कब, 1757 में, और ये 3 वर्षों तक ये शासन किया, तब तक इसी का दामाद मीर कासिम, इसका दामाद कौन था, मीर कासिम। अब देखिए मीर जाफर को जब ये लोग शासक बनाए अंग्रेज तो अपनी मर्जी से काम करते, जिसकी जैसे कहते तो वैसे मीर जाफर करता था, कि व्यापारिक छूट देना हो, जो करना हो सब करता था। तो मीर कासिम ने कहा, इसका दामाद, किसी का दामाद था, इसने कहा कि देखिए हमको यहाँ का शासक बनाइए, कहाँ का, ये बंगाल का शासक हमको बनाइए, हम आपको और फायदा देंगे, और फायदा पहुँचाएंगे, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, हमको बहुत समझ में आता है, हमको बनाइए, हम और आपको फायदा देंगे। तो 1760 में यहाँ पर बना दी गई, 1763 तक था, 1760 में बना दिया गया, किसको, मीर कासिम को अंग्रेजों ने बनाया। अब मीर कासिम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, अब मीर कासिम देख रहा था कि सब अंग्रेजों को बात मान रहे हैं, हम कठपुतली हमको समझ कर रखा है, अंग्रेज ने कठपुतली ये कह रहा है, ये सोच रहा था कठपुतली जो कह रहा है वो हमको करना पड़ा, कठपुतली समझते हैं छोटे छोटे खिलौना होता है उसमें धागा बंधा हुआ रहता है, ऊपर से उंगली से जैसे करते वैसे वो चलता है, तो ये कठपुतली। तो मीर कासिम ने कहा कि देखो अपना दिमाग लगाया कि जब तक हम बंगाल में हैं तब तक ये अंग्रेज हमको कुछ नहीं करने देंगे, तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आया, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से ही अपना राजधानी मुंगेर लेकर आया। तो अंग्रेजों को लगा ठीक है यहाँ पर मुर्शिदाबाद में इसका लग रहा होगा कि अच्छा नहीं है, तो मुंगेर अपना राजधानी लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं था। लेकिन ये मुंगेर अपना राजधानी क्यों लेकर आया,
इसको ये बात पता थी कि हम अगर अंग्रेजों से इधर उधर कुछ भी करेंगे तो लड़ाई करना पड़ जाएगा इन लोगों से, तो लड़ाई करना है तो पहले तैयार होना पड़ेगा। तो मुंगेर अपनी राजधानी लेकर आया और यूरोपीय पद्धति द्वारा जितना भी हथियार बनाया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण सब शुरू किया। मुंगेर में अभी भी मीर कासिम का किला है, तो वहां पर मुंगेर में हथियार बनाना शुरू करवा दिया, हथियार जैसे बंदूक हो गया और बाकी सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया किसको, अपने सैनिकों को। धीरे धीरे ये बात की जो भनक है वो अंग्रेजों को लग गई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो ये क्या कर लेगा, ज्यादा क्या कर लेगा, इतना छोटा राजा है करेगा क्या, अंग्रेजों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, इसने मीर कासिम ने अंग्रेजों को दिया गया जो भी व्यापारिक सुविधाएं थी उसमें कटौती करने लगा, व्यापारिक सुविधाओं में कटौती करने लगा और व्यापार के छूट में कटौती करने लगा और भारतीय व्यापारियों को व्यापार के छूट ज्यादा देने लगा और इनको व्यापार में आगे बढ़ाने लगा। किन को, भारतीय व्यापारियों को। अंग्रेजों ने समझाया कि देखो हम ही तुमको बनाए, हटा भी देंगे तो हटा कर दिखाओ इन, अब तो जब कहा कि हटा कर दिखाओ तो इधर से बंगाल से अंग्रेजों द्वारा एक अपने अधिकारी को और सैनिकों को भेजा गया, जाओ उसको समझा कराओ। तो ये भी इधर से अपना सैनिक लेकर निकला और दोनों के मुलाकात हो गई। कहाँ पर भेंट, कहाँ पर हो गया, पटना में, मीर कासिम के जो सेना थी और वो अंग्रेजों की, 1763 में ही, 1763 नीचे दिखाई देगा यहाँ पर लिख देते हैं, 1763 में मुलाकात हो गई पटना में, जम के युद्ध हुआ मीर कासिम और उन दोनों के बीच में। मीर कासिम ने उसके अधिकारी को क्या कर दिया, फाइल निपटा दिया। किसका अधिकारी, अंग्रेजी सेना को। जब ये बात पता चली अंग्रेजी सेना को, मीर कासिम ने फाइल निपटा दिया हमारे अधिकारी को, तो मीर कासिम को क्या किया गया, उसी समय तुरंत बंगाल के जो नवाब के पद से, इसको शासक के पद से हटा दिया गया और वापस मीर जाफर को बना दिया गया। किसको, 1763 में वापस मीर जाफर को बना दिया गया। जब ये बात पता चला मीर कासिम को ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो ये तुरंत मुंगेर से अपने राजधानी छोड़कर कहाँ निकला, सुजाउद्दौला के पास, अवध के नवाब। अवध इस समय जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसी क्षेत्र को अवध कहा जाता था, इसके पास पहुंचा और कहा कि देखो अंग्रेज तुमको भी परेशान कर रहे हैं। ये मीर कासिम पहुंचा, कहा कि तुमको भी परेशान कर रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहे हैं, और शाह आलम द्वितीय को भी बुला लिया, ये मुगल शासक था, दिल्ली में शासन करता था। तीनों ने एक संयुक्त मीटिंग किया, तीनों लोगों को परेशान कर रहा है, जम के पीट दिया जाए अंग्रेजों को और यहां से भगा दिया जाए। अब इन लोगों को ये पता नहीं था कि अंग्रेज जो है वो चाइना में, आपको पता ही है चाइना में जो किए थे वो किए थे, और ये हर जगह अपना शासन स्थापित करते जा रहे थे और बेहतरीन इनके पास सैनिक थे, सैनिक प्रशिक्षण था, हथियार थे, सब कुछ बेहतरीन था। तब इन तीनों ने बढ़िया से मीटिंग किया, इस मीटिंग का पता अंग्रेजों को चल गया तो अब अंग्रेज उधर से बंगाल की तरफ सेना निकल गई, लेकिन तीनों का फाइल निपटाया जाए। और जब इन लोगों को बात पता चल गया कि अंग्रेज उधर से बंगाल से निकल चुके हैं और ये लोग भी इधर से उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से निकलने लगे, और ये अंग्रेज और इन लोगों की जो मुलाकात है यानी कि जो भेंट है वो बक्सर में ही हो गया। उधर से वो पटना की तरफ से ये आ रहे थे अंग्रेज और ये पहुंच रहे थे उत्तर प्रदेश के बक्सर में, बीच में ही बिहार वाला क्षेत्र, बक्सर में ही इन लोगों का जो बक्सर में ही, यहाँ पर बक्सर दिखे लिए, बक्सर में ही इन लोगों का क्या हो गया, मुलाकात हो गया। और क्या होगा, हुआ होगा, हाल चाल पूछेंगे एक दूसरे का, हाल चाल पूछेंगे क्या हाल है आपका, क्या हाल है आपका, नहीं, लड़ाई शुरू हो गया वहीं पर बक्सर में। इन दोनों के, ये इधर तीन गो थे और इधर एक गो थे, लड़ाई शुरू हो गया और अंतिम में जीत गए अंग्रेज और ये सबको भागना पड़ा और ये यहाँ से भागना पड़ा। और एक बात, ये अंग्रेजों ने यहाँ पर युद्ध जीत लिया। देखिए यहाँ पर भी अंग्रेज जीते और बक्सर के युद्ध भी कौन जीता, अंग्रेज जीता। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि बक्सर विद्रोह क्या था और बक्सर का युद्ध क्या था। ये बक्सर में हुआ था, बिहार में हुआ था, बक्सर बिहार में, एक तरफ से अंग्रेज थे, एक तरफ से तीन गो शासक थे, और यहाँ पर बक्सरों द्वारा, मुक्केबाजों द्वारा विद्रोह हुआ था जो कि चीन में हुआ था, शांतुंग प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।